माता महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन हमें कब करना है, जो महिलाएं 16 वर्षों तक इस व्रत को कर चुकी हैं, उन्हें कैसे करना है, पुरोहित बुलाकर करना है, 16-16 की संख्या का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो हमें क्या क्या चीजें 16 की संख्या में चढ़ानी है, व्रत का उद्यापन हमें दिन में करना है अथवा रात्रि में करना है, यदि 16 की संख्या में हमें महिलाएं सुहागिने नहीं मिलती है, ऐसी दशा में हमें क्या करना है, 16 कलश की बात कही गई है, 16 माँ लक्ष्मी के स्वरूपों की बात कही गई है, 16 प्रकार के भोगों की बात कही गई है, 16 प्रकार के फलों की बात कही गई है, क्योंकि राज राजेश्वरी धन लक्ष्मी की हम पूजा कर रहे हैं, गज लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, तो हर चीज हमें 16-16 की संख्या में उद्यापन में चढ़ाना है। अब देखिए, इतना यदि आप नहीं कर सकते हैं तो एक ही चीज 16-16 बारी में आप कर सकते हैं, यानी फल मिठाइयां भोग मिलाकर 16 की संख्या कर लीजिए। 16 सुहागन स्त्रियां यदि आप अपने घर बुला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप एक पति पत्नी को जोड़े से बुला लें और उसके बाद जितनी भी आपको स्त्रियां मिल जाती हैं उतना बुलाकर आपको अपने घर खिला दीजिएगा। माता महालक्ष्मी की उस दिन पूजा कैसे करनी है, जब हम उद्यापन करेंगे, जैसे कि आप सभी को पता है, सभी वीडियो मेरे चैनल पर है, एक एक करके डिटेल में जानकारी है, तो आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज आप वो वीडियो जरूर देखें। माँ लक्ष्मी का व्रत का शुरुआत कब होता है, कब समापन होता है, आइए थोड़ा सा पहले इसको भी जान लेते हैं। माता महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत होती है भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से, और ये लगातार 16 दिनों तक किया जाता है, अश्विनी मास की अष्टमी तिथि तक ये व्रत किया जाता है। चंद्र व्यापनी तिथि का ज्यादा महत्व तो होता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, और कभी कभी 15 दिवस या फिर कभी कभी 16 या 17 दिनों का भी हो जाता है, तिथियों के ऊपर नीचे होने के कारण इसमें फेरबदल भी हो जाता है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। माता महालक्ष्मी व्रत के समापन की जो विधियां होती हैं वो हमें जरूर करनी होती हैं, तभी हमारे व्रत को संपूर्ण माना जाता है, और चंद्र को अर्घ देने के बाद ही हमारा व्रत संपन्न होता है, हर वर्ष भी और आखिरी में जब हम उद्यापन करेंगे तब पर भी। माता महालक्ष्मी का जो स्वरूप है गज लक्ष्मी स्वरूप, उसी की पूजा हमें करनी चाहिए, और जब हम समापन करते हैं तो माँ लक्ष्मी के 16 स्वरूप जो हमारे इस जीवन में हमें ऐश्वर्य देते हैं, धन देते हैं, उनका भी हमें आवाहन पूजन करना होता है। इसलिए आपको अपने घर में एक पुरोहित को जरूर बुलाना है। घर में पुरोहित बुलाने से क्या होगा कि जो नवग्रह की पूजा है, जो गौरी गणेश की पूजा है, जो कलश की पूजा है, वो विधि विधान से वो पुरोहित आपका करवा पाएंगे, तो इसलिए आपको पुरोहित को अवश्य बुलाना है। अब आपको अपने घर में बुलाकर माता महालक्ष्मी की चौकी सजानी है, बिल्कुल वैभव तरीके से माँ लक्ष्मी को आसन देना है। अब नियम की हम बात करें तो 16 कलशों की बात कही गई है, जैसे हम हर वर्ष पूजा करते हैं तो एक कलश लगाते हैं, लेकिन व्रत के समापन में हमें 16 कलश लगाने होते हैं, उन 16 कलशों पर अलग अलग श्रीफल रखने होते हैं और अलग अलग पंचपल्लो लगाकर 16 श्रीफल लगाकर कलश माता महालक्ष्मी के चारों ओर हमें रखना होता है, और थोड़ी बड़ी चौकी होगी और उस पे माँ लक्ष्मी का आवाहन करना है। माँ लक्ष्मी के 16 स्वरूप हैं, उनका आवाहन उस कलश में हम करते हैं। यदि आप इतना नहीं कर सकते हैं तो एक बड़ा सा कलश आपको लेना है, उसे अच्छे से उसको सजा देना है जैसे विवाह वगैरह में, उसके बाद उसपे पंच पल्लव, 5 प्रकार के पल्लव लगाने हैं, गूलर, पाकड़, पीपल, बरगद और आम के पत्ते, प्लास के पत्ते, इस तरह से 5 प्रकार के पत्ते आते हैं, हम आपको स्क्रीन पर लिख देंगे, उन पत्तों को लगाकर माता महालक्ष्मी का आवाहन करना है। अब माँ लक्ष्मी के जो 16 स्वरूप हैं आप उसको समझ लीजिए, आगे हम आपको सभी जानकारी देने वाले हैं। माँ लक्ष्मी के 16 जो रूपों की पूजा हमें करनी है, आदि लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान लक्ष्मी, मेधा लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, जय लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी, आरोग्य लक्ष्मी, सिद्ध लक्ष्मी, सौंदर्य लक्ष्मी, साम्राज्य लक्ष्मी, ये और श्री मंगल लक्ष्मी, ये 16 माँ लक्ष्मी के ये 16 स्वरूपों की पूजा हम समापन विधि में जरूर करते हैं। तो आपको उन कलश में माँ लक्ष्मी का आवाहन करना है और उनके पूजन करनी है, इसीलिए पुरोहित की आवश्यकता होती है। अब जो भोजन है वो सात्विक होना चाहिए, बिना प्याज लहसुन का भोजन आपको बनवाना है। माँ लक्ष्मी के भोग प्रसाद आपको स्वयं बनाना है, बाकी भोजन आप अपने घर में हलवाई लगा के बनवा सकते हैं, कैसे भी आप किसी और से भी बनवा सकते हैं, लेकिन जो माँ लक्ष्मी के भोग प्रसाद होंगे आपको स्वयं बनाने होंगे, यानी आपके परिवार का ही कोई बनाएगा।
भोग में बात करें तो जैसे कृष्ण जन्माष्टमी पर हम 56 भोग लगाते हैं, उसी तरह से माता महालक्ष्मी राजलक्ष्मी की पूजा में हम 16 प्रकार के भोगों की बात कही गई है। तो आप 16 प्रकार के अरेंज कर सकते हैं या एक ही भोग को 16 की संख्या में लगा सकते हैं। इस तरह से आप अपनी सुविधा अनुसार इसको अरेंज कर सकते हैं। 16 प्रकार के फलों की भी बात कही गई है, तो 16 ऋतु फल ले लें या फिर आप 2-4 फल जो मिल जाए उसे 16-16 बार माँ के सामने अर्पित कर सकते हैं। अनार बहुत ही प्रिय होता है, कदली फल भगवान विष्णु को प्रिय होता है, और आप सभी को पता है माँ लक्ष्मी जहाँ होती हैं भगवान विष्णु स्वतः ही चले आते हैं, इसलिए माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के प्रिय फलों को आपको जरूर अर्पित करने हैं। कदली का फल, अनार का फल और भी मौसमी फल रखकर माँ के सामने आपको 16 की संख्या में इसे रखना है। अब जो भोग है उसमें खीर, हलवा, पूरी और जो भी मीठा और भी आप मिठाई वगैरह दूध से बनी मिठाई, दही, सभी चीजें आपको रखनी है। उसके बाद 16 श्रृंगार की सामग्री भी आपको रखनी है 16-16 की संख्या में। तो जैसे आपने जब कलश लगाते हैं तो उसी में माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जो श्रीफल होता है वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो सभी चीजें हम अलग अलग कलश के पास रखते हैं 16 की संख्या में। 16 शीशा, 16 कंघा, 16 महावर, 16 आलता, 16 काजल, 16 बिंदी, 16 रबर बैंड, रिबन या फिर चोटी, 16 की संख्या में आपको बिछिया, 16 की संख्या में नोच पिन यानी कि सोने चांदी की भी चीजें कुछ हम देते हैं तो वो भी हमें रखना चाहिए। 16 की संख्या में आपको आलता और ऑयल पाउडर, लिपस्टिक, बिंदी, सभी चीजें 16-16 की संख्या में आपको करनी है। और हो सके तो 16 सूप की भी व्यवस्था की जाती है, यानी एक सूप से हम ढकेंगे और एक सूप से हम रखेंगे। इस तरह से 16 जगह पे आपको रखना है। यदि इतना नहीं कर सकते तो एक ही सूप में 16-16 की संख्या में सभी चीजें आपको रखनी पड़ेंगी। अब दीपों से माता महालक्ष्मी की हम आरती करेंगे। घी के दिए होने चाहिए और 16 तांबूल सोना और 16 तांबूल यानी कि पान, सुपारी, लौंग, इलायची, ये 16 की संख्या में होने चाहिए। ये आप माँ को अर्पित करेंगे। 16 स्थान पर आपको दक्षिणा भेंट करना है क्योंकि 16 माँ लक्ष्मी की पूजा हो रही है तो 16 की संख्या का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप इस तरह से करें। हवन की बात हम कर लें। हमेशा जब भी कोई व्रत पूजन होता है तो हवन जरूर करना चाहिए। तो हम हर साल करते हैं तो उस वर्ष भी हमें करना है। तो अब हवन कितनी बार करना है ये भी बहुत सारे लोगों ने पूछा था। तो देखिए हवन आपको 108 की संख्या में करना है। वैसे तो जब हम जितना मंत्र जप करते हैं, जितना हम आवाहन करते हैं उसी हिसाब से मार्जन तर्पण आदि बताया जाता है, लेकिन आप 108 की संख्या में माता महालक्ष्मी के सूक्तम का जो पाठ होता है उससे एक मंत्र लेकर आप हवन करवा सकते हैं। हवन भी इसीलिए पुरोहित को आपको बुलाना है, हवन के लिए अग्निकुंड बनाना पड़ेगा आपको, उसमें आम की लकड़ियां, आपको गुलर की लकड़ियां, इस तरह से अलग अलग प्रकार की लकड़ियों का भी इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग कामना पूर्ति के लिए। ये मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा हवन की विधि और हवन में जो समिधा या सामग्री जो हम उसमें लेते हैं वो कैसी होनी चाहिए, वो सभी जानकारी मेरे चैनल पर है। यदि आप पहली बार आए हैं तो आपको थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, वरना आप डिटेल में जान सकते हैं। तो अब कैसे हवन करना है थोड़ा सा आप समझ लीजिए। देखिए जब भी हम किसी भी देवी देवता के निमित्त हवन करते हैं तो हम स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हैं। जैसे मंत्र का जप है, पहले माँ लक्ष्मी के बीज मंत्रों को आप समझ लीजिए। सूक्तम से भी हवन कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र से भी हवन कर सकते हैं, सूक्ष्म मंत्र से भी हवन कर सकते हैं। अब माँ लक्ष्मी का जो बीज मंत्र है प्रकार से है, ओम श्रेंग रिंग श्री कमले कमलालय प्रसीदा प्रसीदा श्रेंग रिंग श्री महालक्ष्मी नमो नमः। अब जब हम मंत्र जप करते हैं तो नमो नमः बोलते हैं और जब हम हवन करते हैं तो स्वाहा शब्द को लगाते हैं। स्वाहा शब्द ही क्यों लगाया जाता है, तो देखिए स्वाहा और स्वधा दो अग्नि देव की पत्नी है और जब हम हवन करते हैं तो अग्नि में ही करते हैं क्योंकि अग्नि में ही जो चीजें हम डालते हैं स्वाहा करके वो ईश्वर तक अग्नि देव पहुंचाने का कार्य करते हैं, क्योंकि जो अग्नि की उत्पत्ति हुई है वो देवताओं के मुख से हुई है, इसलिए जब हम अग्नि में कोई चीज डालते हैं तो वो डायरेक्ट देवताओं के मुख में ही पहुंचती है। इस भाव से हम देवी देवताओं के निमित्त जो भी चीज अग्नि में आहुति के रूप में डालते हैं वह देवी देवताओं को पहुंचती है। वहीं पर
स्वाहा और स्वधा जो दो पत्नियां हैं, स्वाहा शब्द का उच्चारण देवी देवताओं के हवन में किया जाता है और स्वधा शब्द का उच्चारण हम पितरों के जब पूजन में करते हैं तो स्वधा का उच्चारण करते हैं, वो पितरों तक हमारे चीजों को पहुंचाने का कार्य करती हैं। दोनों में अग्नि का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको क्लियर हो गया। अब जब हम हवन करते हैं तो हमारे हाथों की मुद्रा कैसी होनी चाहिए, आपको वो भी समझना है। दोस्तों बहुत सारी बातें होती हैं, जब हम इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए नियम पूर्वक कोई कार्य करते हैं तो हमारा पूर्ण बिल्कुल इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि आपके घर में स्त्री लक्ष्मी का वास ना हो। आपके ये हाथ है, आपको ये तर्जनी उंगली और ये कनिष्ठा उंगली हटा देनी है। कभी भी किसी भी पूजा पाठ में इन दोनों उंगलियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। चाहे मंत्रों का हम जाप करें तो मिडिल फिंगर पर रखकर इस तरह से दोनों उंगलियों को बाहर कर दिया जाता है। अंगूठे का और ये तीनों उंगलियों का, ये जैसे कि अलग अलग मुद्राएं बनाई जाती हैं तो इसे कहते हैं मृगी मुद्रा। अब इस तरह करेंगे हम, अगर इसको इस तरह से भी करके सूक्री मुद्रा होती है तो सूक्री मुद्रा उतनी हमारे लिए अच्छी नहीं होती है, मृगी मुद्रा हमारे लिए ज्यादा अच्छी होती है। तो इस तरह से ये दोनों उंगलियों और अंगूठे की हेल्प से हम जो लेंगे और ये हम अग्नि में स्वाहा करते हैं। इस तरह से जब हवन करते हैं तो वो सीधे देवताओं तक पहुंचता है। तो आपको हवन करना है, हवन के बाद फिर आपको आरती करनी, जैसे 16 दीपों की आरती मैंने आपको बताई, पूजा पाठ करने के बाद सभी चीजें अर्पित करने के बाद हम हवन करेंगे, उसके बाद आरती करेंगे, फिर हम महिलाओं को भोजन कराएंगे। तो ये सारी विधियां हमें करनी कब है, सारी विधियां हमें दिन में करनी है, सारी चीजें हम दिन में करेंगे और वर्ष के 17वें वर्ष करेंगे, क्योंकि जब हमारा 16 वर्ष पूरा होगा तभी हम 17वें वर्ष इस चीज को करेंगे और सभी महिलाओं को सभी चीजें, यानी कि आप बैठा दीजिए एक आसन पर, यदि पुरोहित को पत्नी को जोड़े से आपने बुलाया है उनको भी आसन लगा दें, सभी को हम हल्दी कुमकुम का तिलक करेंगे, सभी के ऊपर दूर्वा से जल छिड़केंगे, सभी के मस्तक पर हम तिलक लगाएंगे और सभी को थाली में भोजन परोस कर सभी के सामने आपको रखना है, जल रखना है और उन्हें भोजन कराना है। भोजन के बाद सभी को दक्षिणा देना है, सभी को कुछ श्रृंगार की सामग्री आपको अवश्य देना है। अगर आपने सभी चीजें 16-16 की संख्या में चढ़ाई है तो एक सामग्री, कोई भी चीज, आप जैसे चूड़ी, बिंदी, महावर, कुछ भी आप लेकर सभी महिलाओं को दे सकते हैं। उसके बाद फल प्रसाद जो है वो आप महिलाओं को भी बांट कर सकते हैं, अपने पड़ोस में, अपने घर में, सभी को वो फल, मिठाइयां, भोग प्रसाद जो 16 प्रकार का आपने चढ़ाया है उसे आप स्वयं सेवन करें और पूरे परिवार में आपको बांटना चाहिए। अब जो 16 श्रृंगार की सामग्री है सूप में आपने चढ़ाई है उसे आपको माता महालक्ष्मी के मंदिर में देना चाहिए। यदि आप 16 सूप रख रहे हैं तो एक एक सूप का जो सामग्री है वो सुहागिनों को दे दें, एक सूप 16 आप पुरोहित को दे दें, एक सूप आप जो है जो आपकी मंदिर है वहां पर रखा है। इस तरह से आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। विधियां बहुत हैं क्योंकि माता महालक्ष्मी राजराजेश्वरी की पूजा है तो उसमें पूरा वैभव पूर्ण ढंग से हमें करना है। अब आप जो चीज इसमें नहीं कर पाते हैं वो एक ही चीज को 16 की संख्या में रख सकते हैं। उसके बाद आपको क्षमा प्रार्थना करनी है। पुरोहित की विदाई में भी आपको उन्हें वस्त्र, फल, मिठाइयां, दक्षिणा अलग से देना चाहिए क्योंकि वो आपकी पूजा को आपने संपन्न कराया है। तो ये आप समझ लीजिए, आप भी भोजन कर सकते हैं क्योंकि आपका व्रत तो 16 वर्षों का संपन्न हो गया, 17वें वर्ष आप ये सभी समापन की विधियां कर रहे हैं। आप चाहें तो रात्रि में जग के चंद्र को दर्शन कर सकते हैं, अर्घ दे सकते हैं, भले ही आपने भोजन कर लिया हो। तो आप इस तरह से सभी चीजें अरेंज करके माता महालक्ष्मी की पूजा करें और अपने घर में स्थिर रूप से माँ लक्ष्मी को विराजमान करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।